पिंकू भाई पकड़ो, मैं इधर करना। नमस्कार दोस्तों, राम राम सारे भाई को, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोनू राजपूत। आज भाई हमारे भोला खलीफा जी हैं, जो कि 6 नंबर गली के अंदर आरा कशा मुल्तानी ठंडे रोड में कूड़े खत्ते के नजदीक ही उनका घर, और बहुत बेहतरीन तरीके से नीचे से पट होता हुआ जामा मस्जिद पार हो गया, जो कि दलीप खलीफा जी इस बात के खुद उस्ताद लाल तालीम तकिए तालीम से हैं, जो कि खुद गवाह हैं। टिंकू भाई हैं और मैं खुद हूँ, जो कि आगे से फोन आए उनको साहिब उनको भाई साहब को भोला खलीफा जी को बधाई देने आया हूँ, जो कि आपको उधर देख सकते हो। ये भाई पटियाला जो पट होता हुआ 10 मिनट में कबूतर ने मारे आज। खलीफा जी राम राम। खलीफा जी, आज मैंने आपका कबूतर देखा, इतना बेहतरीन तरीके से और आगे तक इतना बढ़िया गया है कि आगे से जामा मस्जिद तक से फोन आने लग गए, और कबूतर इतनी बेहतरीन तरीके से। आप कौन सी तालीम से हो वैसे? हम उस्ताद लाल तालीम से हैं, उस्ताद तकी तालीम से। अच्छा, कितने सालों से ये? कितने सालों से? हमारी तीसरी पीढ़ी है जी कबूतर। आपके नबी करीम में कितनी छतें उड़ रही हैं? नबी करीम में हमारी 3-4 छतें उड़ रही है। खलीफा फिरोज वाली छत है। अच्छा, खलीफा नरेश वाली छत है। अच्छा, दोनों हमारी छतें नबी करीम में उड़ रही है। और खलीफा लाल तालीम से। और खलीफा कौन कौन है? खलीफा नरेश का भी खलीफा है और फिरोज भी खलीफा। हमारे तालीम में खलीफा काफी सारे हैं। खलीफा दिलीप कुमार जी रहते हैं नबी करीम में, खलीफा भोला पालवन जी हैं, उस्ताद लाल के शागिर्द हैं। तो ये आपका घर का सेट बनाया हुआ क्या था जो इतना अच्छा कबूतर गया आपका? ये भाई साहब, इसमें कुछ घर के पट्टे हैं, अच्छे पंजाब के कबूतर मिले। और देसी कितने हैं इसमें? देसी 5-10 कबूतर इसमें देसी है, और 20 पट्टे इसके अंदर इसी गर्मी के हैं। लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से कबूतर छोड़े नहीं, बाहर जाना हुआ नहीं था, तो जो कबूतर है सब इसी गर्मी के निकले हुए, कुछ पट्टे और कुछ पिछले साल के रोके हुए। भाइयों, आप देख सकते हो। आपका शुभ नाम क्या है बाबू जी? मेरे को सब बाबू के नाम से जानते हैं, वैसे संजय नाम है भाई। बाबू और संजय भाई हमारे, ये आप भी खलीफा हो? नहीं, शागिरद हो आप? भाई शागिरद है, और इतने बेहतरीन तरीके से, इतने मजे में खिलाड़ी हैं कि उस्ताद का सर पे इनका हाथ रखा हुआ है, कि उस्ताद की छतर छाया के अंदर इन्होंने कबूतर इतना बेहतरीन तरीके से उड़ाया कि मजा बांध दिया। और भाई आप देख भी सकते हो, कबूतर देखो बल भी मार रहे हैं। भाई दिखाना आप, इधर इधर ये रहे हम लोग तो, ये छत है बहुत नीची, हम लोग तो वहाँ होटल पे बैठ के देखते हैं कभी कभार। भाई लोकेशन दिखा देना जरा, छत ये नीचे से भाई कह रहे हमारे नीचे है, और पीछे दिखाएं सारी उधर को, पीछे को दिखाएं के कितनी गड्ढे में छत होने के बावजूद। ये हमारे छोटा भाई अमन, भाई ये मास्क हटा के नीचे आओ, इधर कोई प्रदूषण की परेशानी कटेगी। आ जाओ, दिखा देते मास्क तो उतार दे। और ये छोटा वाला, ये ध्रुव है, ये बच्चे कबूतर उड़ाते हैं, छोटा भाई आ रहा भी। भाई ये कबूतरबाजी के भाई हमारे बाबू भाई बता रहे हैं कि कबूतरबाजी की देख रहे की बच्चे संभालते, कोचवानी बच्चे ही करते। और इनके भाई आपको छोड़े वाले भी दिखाना चाहूंगा। अच्छा, आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? आपकी तालीम में कुछ शागिरद हो तो आप उसको बनाना चाहोगे, या कबूतर की कोई टिप लेना चाहते हो आप? नहीं, हमारे शागिरद जहांगीरपुरी में भी है, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में भी है, मतलब वैसे तो उसका लाल तालीम के शागिरद ऑलमोस्ट दिल्ली में है, दिल्ली क्या सऊदी अरब तक है वो तो है। लाल तालीम सनोवर भाई को मैं अच्छे कर रहा हूँ। भाई सनोवर, ये आदि की तालीम की छत उड़ी है, अगर आप रेसिंग मूवर उधर उड़ा रहे हो ना, तो उधर देसी पटियाला काम कर ला, देख लो तुम्हारी छत, यानी कि आपकी तालीम का डंका अगर आप उधर बाजार दो इंडिया में भाई कम नहीं है। उमर हम दिल्ली में भी कर रहे हैं, बंटी भाई है विकास नगर में हमारे, हम उमर उनके यहाँ कर रहे हैं रेसिंग उमर। हाँ जी, रेसिंग उमर कर रहे हैं वहाँ पर, अभी इकट्ठे करने शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। कौन सी ब्लड लाइन करना चाह रहे हो? बंटी भाई है वो, बंटी भाई कौन सी ब्लड लाइन करने वाले? ये मेरे को मालूम नहीं है जी, उमर वो इकट्ठे कर रहे हैं अभी। चलो जी, हमारे भाई आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सी ब्लड लाइन करना चाहते हैं। डायमंड है और भी बहुत सी ब्लड लाइन है उनकी कबूतरों की, रेसिंग उमरों की, अभी उन्होंने बाहर से मंगवाए। अच्छा भाई, इनका लोग देख सकते हो, और कबूतर है इसके अंदर कुछ? एक कबूतरी है, उसकी आंख में लगी हुई, दौड़ में टकरा गई थी। अच्छा भाई, इनके जोड़े वाले भी दिखा दो एक बार। भाई जोड़े वाले कबूतर भाई के, जल्दी फटाफट ऊपर भी दिखा देना, कोई है क्या?
ये भाई है कबूतर जो लग के आ जाते ना किसी के, हाँ तो वो मार के इकट्ठे करे जो कोई डॉक्टर मार दो उसके मारते। अच्छा भाई इधर भी दिखा देना भाई साहब, ये घाघरा प्रबंधा पड़ा, ये भी मारा आपने? कहाँ के मारे भाई ये सब? जैसे किसी के लग के आ जाते आगे से। भाइयों आप देख सकते हो कितने हसीन तरीके से इन्होंने कबूतरबाजी प्यार मोहब्बत से बहुत तरीके से करी है, बड़े प्यार से। और भाई मैं मिलवाना चाहता हूँ, हमारे दलीप खलीफा जी के लड़के हैं टिंकू खलीफा, काफी मजे के खिलाड़ी हैं और काफी कबूतरों की इनको नॉलेज भी है, बहुत अच्छे आदमी है तकी लाल तालीम से। भाई आने वाले टाइम के बख्तर खलीफा होंगे। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, भाई बनेंगे। भाई आपका नाम क्या है? गौरव। गौरव भाई आपका कबूतर देखने में बहुत अच्छा लगा, आपके भोला खलीफा जी कौन लगते हैं? पापा है मेरे। अच्छा पापा है आपके? हाँ। और बाबू भाई आपके? बड़े भाई। बड़े भाई आपके? तो भाई आपके परिवार के अंदर इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना एक बहुत अच्छा लगा, कबूतर बहुत अच्छा दौड़ा आपका भाई। शुक्रिया भाई। भाई देख सकते हो सारे भाई ये सारी मेहनत ये गौरव करता जी, जालों की साफ सफाई भी, खेल पानी भी, सब कुछ। और ग्रेजुएट लड़का है, पढ़ा लिखा बच्चा है। भाई मैं अपनी वीडियो में बार बार कहता हूँ कि शौक के साथ साथ देखो लिखाई पढ़ाई वाली फिर आ गई बात, शौक के साथ भाई पढ़ाई जरूर करनी है ताकि हम देश के काम आ सके। आज भाई मेरे को बड़ी खुशी हुई, भाई ग्रेजुएशन है और आगे देश के अंदर हाथ बटाने की, ऐसे नौजवानों की हमारे देश को बहुत जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि कबूतरबाजी भी आप करो लेकिन पढ़ाई और बिजनेस भी संभालो, क्योंकि उससे पीछे मत हटो क्योंकि देश को कौन संभालेगा। जैसे कि हमारे टिंकू भाई, जैसे कि फूल मंडी में बहुत अच्छे व्यापारी आदमी है और बहुत अच्छा काम है दलीप खलीफाजी का। और इंस्ट्रूमेंट भाई साहब जो म्यूजिकल होता है ना उनकी आज बता दो, इनका बहुत अच्छा, इनका उसके अंदर भी इनका नाम दुबई उबई के अंदर भी इनके भाई भाई सब जाते बजाने देख सकते हो। और भाई देख सकते हो उनके लोफ्ट और जोड़े वाले दिखा दिए भाई, मार्क्स हटा दे यार। ये भाई शर्मा इतने रहे जैसे इनकी कोई रिश्तेदारी आई हो। भाई आप देख सकते हो, ठीक है भाइयों धन्यवाद। मैं सोनू भाई।